चाचा जी ये क्या बात कर रहे हैं, मम्मी जी हमें प्रॉपर्टी देने पर राजी हो गई हैं। जादिया होने की तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है, तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है, अब फौरन जाके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। मौका अच्छा है, चौका लगा दो। सही कहा आपने, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, मैं आज ही जाता हूँ। अखिल मैं भी चलूंगी। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं भाग कर नहीं आई हूँ, जो तुम मुझे ले जाने से डर रहे हो। अगर तुम नहीं ले जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। समझ में नहीं आता ये मुसीबत यहाँ क्यों आ गई। बबूल के पेड़ से कांटे ही मिलेंगे। क्या मतलब? तुम्हारी पसंद थी ना ये, तो क्या मैं बबूल हूँ? अरे यार तुम तो बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था। क्या चाचा जी, आपको कोई और मिसाल नहीं मिली? अब छोड़ो भी इस बात को, और ये मान लो कि अब तुम्हें इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई अपनी ही अर्थी उठवाने की तैयारी कर रहा हो। जाने भी दो बरखुरदार, क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हारे खुशियों के दिन शुरू हुए अभी तो। ये सोचो कि जब तुम्हारी माँ औरों का प्यार पाकर इतना खुश होती है तो तुम तो उनकी अपनी औलाद हो। तुम्हारा प्यार पाकर तो वो पागल हो जाएंगी, पागल। चाचा जी ये खुशखबरी सुनकर तो मैं भी पागल हो गया। प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, दामनी का हिस्सा तो बचा नहीं, अजीत भी लापता है। अब मैं अकेला वारिस बचा। सुना है ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तुम्हें तो बरखुदार आसमान फाड़ के दिया है। आसमान फाड़ कर एंजॉय करो। हाँ, वर्षा को ले जाना मत भूला वरना गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान है मगर उसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। शादीशुदा जिंदगी रेत के घरौंदों की तरह होती है जिसे समुद्र की छोटी छोटी लहरों से भी बचा कर रखा। समुद्र की छोटी छोटी लहरों की तरह होती जो आगे चलकर सैलाब का रूप धारण करती है। और ये सैलाब खरौंदों के नहीं, खरौंदा बनाने वाले को भी तोड़कर रख देती। इसीलिए कहती हूं इस सैलाब से अपने खरौंदे को बचा कर रख दो। और तलाक, तलाक एक ऐसा सैलाब है जिसमें जिंदगियां उजाड़ कर रखती। तलाक के बाद लड़के का घर बसता मुश्किल नहीं होता लेकिन लड़की का घर बसता है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे मामा की नहीं। इसे तुम्हें गुजारनी है, तुम्हारे मामा को। इसलिए जो भी फैसला करोगे सोच समझ कर कर। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत रुलाया, पर ये सब सब दामनी की वजह से हुआ है। अब उसका रोना रोकर क्या फायदा, वो तो अब जा चुकी। मम्मी आपके अपनों के होते हुए आप बाहर अपनी तलाशती हैं।
आप मुझे अपनी बहू समझकर अपने चरणों में जगह ना दें, मगर एक दासी समझकर जगह दे दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। बस बस बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। अखिल देखो बेटा, चाहे जो कुछ भी हो, ये तृष्णा से तो अच्छी है, इसमें अच्छी बहू के सारे गुण हैं। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, एक परिवार की तरह। तुम दोनों यहीं रह जाओ ना मेरे पास। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, ये तो मामा जी का घर है। जब आपका अपना घर है तो हम यहाँ क्यों रहें? आशियाना पर तो कब का ताला लग चुका है। मैं आशियाने की बात नहीं कर रही, आपके बेटे का नया घर जो आपका अपना है। तुम कितने अच्छे हो बेटा, और तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। काश तृष्णा की जगह तुम मेरी बहू बनकर आती। आ ही चुकी हूँ, कृष्णा तो अब जा चुकी। चलिए ना मम्मी जी। चलूंगी बेटा, जरूर चलूंगी। मेरी भी बहुत इच्छा है अपने बेटा और बहू के साथ रहने की, उनका प्यार पाने की। पर मोहन को बताकर यहाँ की कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ही मैं आ पाऊंगी। धन्यवाद मम्मी जी। दोनों को ये तो मालूम होगा ही कि पानी में भंवर होता है। डैड वो सबको मालूम। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि धरती पर भी एक भंवर है। धरती पर भंवर। अंकल हंसिए मत, डैड ने कहा है तो जरूर होगा। है बेटा, बिल्कुल है। इस धरती पर भंवर मैं हूं, देवराज तेरा डैड, जो खुद घूमता है और लोगों को घुमाता है, चक्कर मरवाता है। मुझ में जो भी फंसता है चक्कर खा खा के मरता है। जैसे कि दामिनी। और अब? अब विवेक। वो कैसे? पुलिस में उसके नाम से एक केस दर्ज करवाया मैंने। लेकिन केस क्या बनाया डैड? दहेज। दहेज मांगने वाला हमेशा बुरी तरह फंसता है, कंगाल भी हो जाता है और बेइज्जत भी हो जाता है। लेकिन इससे तो उसे जेल हो सकती है। जाएगा जेल तो जाएगा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। कहा था ना मैंने, देवराज के भंवर में जो भी फंसता है बुरी तरह मरता है। लेकिन डैड, अगर उसे पुलिस यहां लेने आएगी तो हमारे ऑफिस में क्यों आए? मैं इसे भी ऑफिस में नहीं रहने दूंगा, आज ही निकाल दूं। राहुल, तुमने अभी तक अपने डैड को पहचाना नहीं। देवराज साहब जब किसी को मारते हैं ना तो उसे कुछ खिलाते हैं और ना ही पिलाते हैं और ना ही वार करते हैं। मैं जब भी किसी को मारता हूं ना तो आदमी पानी तक नहीं मांगता। ये भी नहीं मांगता। बिटिया मत रो, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना? हाँ, हाँ। आपकी वजह से मुझे घर से निकाला गया,
बरसों बाद बीबी को उसकी माँ मिली तो उससे भी जुदा कर दिया गया। नहीं बिटिया, अब तुम्हारे रोने के दिन गए बिटिया, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। वो से मुझे कुछ नहीं पता। माँ यहाँ से ले चलिए, प्लीज यहाँ से ले चलिए। हाँ बिटिया हम तुमको लेके चलेंगे। हाँ मुझे ले चलिए माँ, यहाँ से मुझे ले चलिए प्लीज माँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से दूर ले चलिए माँ। दामिनी 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 उठो दामिनी, ये तुम क्या कह रही हो, तुम रो क्यों रही हो? माँ माँ कहाँ है? पूर्णिमा मैंने सपने में माँ को देखा। पूर्णिमा कितनी अजीब बात, जिस माँ को नजर भर के भी नहीं देखा वो मुझे सपनों में दिखाई दे रही है। जिस माँ ने जन्म देते ही मुझे अपने से अलग कर दिया वो मेरी आंखों के आगे घूमती रहती है। एक तरह से जिस माँ ने मेरा सौदा किया वो हमेशा मेरे दिल में रहती है। चाह कर भी मैं उनसे नफरत नहीं कर पा रही। ये मेरे साथ क्या हो रहा है पूर्णिमा, क्या हो रहा है? माँ इसी को कहते दामिनी। माँ इसी को कहते दामिनी, अगर औलाद को छोटी सी भी तकलीफ हो तो माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उनका दिल तड़प उठता है। मेरी माँ का भी दिल मेरे लिए तड़प रहा होगा, है ना? बिल्कुल। तुम दामिनी वो सौदे वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। पूर्णिमा माँ को हॉस्पिटल में भरने के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने मामा जी से पैसे लेकर मेरा उनसे सौदा कर दिया। मम्मी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो मामा जी ने मम्मी के होश में आने से पहले मुझे उनके पास लिटा दिया। ये राज मम्मी को अब जाकर पता चला। देखा जाए पूर्णिमा तो मुझ पर सिर्फ मम्मी का अधिकार, लेकिन चाह कर भी मैं माँ को भूल नहीं पा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसा क्यों मेरी समझ में नहीं आ रहा? दामिनी ईश्वर और माँ दोनों ही हमारे दिल में आते हैं लेकिन हमारी समझ के बाहर होते हैं, तो इनके बारे में सोचना ही बेकार होता है। दुख की बात तो यह है कि मम्मी को लगता है कि मैं माँ से मिलने के लिए बेताब हूँ और इसलिए उन्हें धोखा दे रही हूँ, जबकि पूर्णिमा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और बस इसी बात का फायदा चाचा जी उठा रहे हैं। उन्होंने मम्मी को उकसाया कि मेरी शादी हो जाए और मम्मी भी मान गई। बस यही कारण है जिस वजह से मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया। एक बात बताओ, क्या मैंने शादी से इनकार करके गलत किया या सही? बिल्कुल सही था। दिल जिस बात के लिए हाँ कहे वही बात सही होती है। ये देखो रो रो कर क्या हालत बना ली है तुमने। चलो अपना मुंह धो लो वरना प्रेम आएंगे तो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कह दिया इसके लिए तुम रो पड़ी। तो मुंह धो लो, मैं बढ़िया सी कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? पूर्णिमा कहीं तुम पिछले जन्म में मेरी बहन तो नहीं थी? सौतन धर मैं अभी है। ये लो तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट। क्या मतलब? मतलब साफ है कि तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। देवराज साहब
मैं नौकरी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का कर्ज पूरा करना था, जो अब पूरा हो चुका है। मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं थी। मैं नौकरी इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको मेरी जरूरत थी। अब शायद आपको भी मेरी जरूरत खत्म हो गई तो ठीक है। बाद में तुम दामिनी की मदद करने के लिए जॉब करते रहे, जो हमारे लिए बहुत नुकसान वाली बात है। उसी के कारण तुम्हारा रश्मि के साथ संबंध टूटा और अब नौकरी भी छूट रही। देवराज साहब, दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। उसका कोई इलाज नहीं है, शक की बीमारी। और ये जो शक है ना, रिश्तों और दिलों में दरारें पैदा कर देता है, जैसा कि आपकी भांजी के साथ हुआ। अच्छी बहू के होते हुए भी तुम्हारी मां ने एक ऐसी लड़की को घर में लाने का इरादा किया जिससे कभी तुम मोहब्बत किया करते थे, उसका क्या? लेकिन सर जी, वो आई तो नहीं ना। तुम चुप रहो, ये हमारा घरेलू मामला है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये आपके दामाद है थे, अभी भी हैं। ओह शट अप। ओके, ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि दामिनी इसी वक्त पे घर से बेघर हुई और मेरी मम्मी ने उस बेचारी को घर लाने का इरादा बना लिया। इत्तेफाक से बेचारी बेघर हो, इतना बड़ा इत्तेफाक है। तो दामिनी से बार बार मिलना ये इत्तेफाक है या मोहब्बत? देवराज साहब, इसे इंसानियत कहते हैं। अगर इतने अच्छे इंसान हो तो अपनी पत्नी को दुख क्यों दे रहे हो? अगर कोई अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले तो कसूरवार कौन है? उसके हाथों में कुल्हाड़ी भी तो तुम्ही ने दी। देवराज साहब, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको समझा भी नहीं सकता। हाँ, मगर एक बात जरूर कहूंगा, वो भी अफसोस के साथ। क्यों अफसोस के साथ, क्यों खुशी के साथ, क्यों नहीं? मैनेजर साहब, बिजनेस और घर तो अलग अलग चीजें हैं, और अगर उन्हें कोई एक कर देता है तो घर घर नहीं रह जाता, दो हिस्सों में बंट जाता है। हमें भी तुम्हें दूर रखना चाहिए था, लेकिन हम तो भूल गए थे कि दुश्मनी के बाद जब दोस्ती पक्की हो जाए तो वो दोस्ती उस फल की तरह होता है, जो फल पकने के बाद मीठा तो होता है लेकिन उसमें कीड़ा पड़ जाता है। डैड, ये कीड़ा नहीं है, सांप है। सांप जिसे पालो तो डस लेता है। इसने हमारे अरमानों को, हमारे भरोसे को डसा है। अच्छा हुआ ये उसे भगाने के लिए लाठी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, चुपचाप यहां से जा रहा है। बिल्कुल, बनवारी से ऑफिस की सारी चीजें मिली। बनवारी जी, ये इन चाबियों के अलावा मेरे पास है क्या? लीजिए, चलता हूँ सर, गुड बाय। गुड बाय। फिल्म त्रिशूल में मिस्टर आर के गुप्ता ने राखी को इसी तरह नौकरी से निकाला, लेकिन फिर वो बहुत पछताए। बनवारी, हमेशा मैं कहता हूँ कि पछतावा जरूरतमंदों को होता है, और देवराज को किसी की जरूरत ही नहीं। मेरी भी नहीं। अब तुम तो क्रिकेट हो, हाँ, पेड़ देखकर अपना रंग बदलते हो ताकि तुम दुश्मनों से और शिकार से दोनों से बच सको, है ना? क्या है ना सर, जब से आपके वहां नौकरी पे लगा हो ना, हाँ, एक ही पेड़ को चिपक के मैं रहा हूं, रंग बदलने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। अब जाओ। हर बार कुछ ना कुछ कहेगा, हर बार।